स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। 15 फरवरी 2022 कनाडा का राष्ट्रीय ध्वज दिवस था और ये दिन 13 देशों के उन 29 लोगों के लिए यादगार बन गया जिनकी जिंदगी उस दिन हमेशा के लिए बदल गई जब उन्हें वीडियो कॉल के जरिए कनाडा की राष्ट्रीयता की शपथ दिलाकर नागरिकता प्रदान की गई। Please turn on your microphones and remain silent and raise your right hand. ये समारोह 35 मिनट तक चला और इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हुए। कनाडा के इन नागरिकों ने अपने नए देश का राष्ट्रगीत सुना। कनाडा की समस्या ये है कि वहाँ लोगों की कमी है और काम करने वालों की भी। इस समस्या से निपटने के लिए कनाडा ने 2025 तक कुशल रोजगार करने वाले अप्रवासियों की तादाद हर साल 5 लाख से बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कुशल श्रमिकों की किल्लत की समस्या से कनाडा ही नहीं बल्कि और देश भी जूझ रहे हैं। तो इस हफ्ते हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अन्य देशों को भी कनाडा का इमिग्रेशन मॉडल या अप्रवासन नीति अपनानी चाहिए। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, जितने ज्यादा उतना बेहतर। हमारी पहली एक्सपर्ट है एना ट्रिएंडी फिलाडो, जो टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन रिसर्च सेंटर की अध्यक्ष हैं। There is a feeling that immigrants bring talent, bring ऐसा समझा जाता है कि अप्रवासी देश में नए कौशल, नए टैलेंट और नई परंपराएं और विविधता लाते हैं। तो जितने ज्यादा लोग और जितनी अधिक विविधता उतना बेहतर होता है। भूभाग के हिसाब से कनाडा रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन कनाडा की आबादी केवल 3.8 करोड़ है। कनाडा इज ऑल्सो जियोग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से कनाडा अलग थलग है और उन क्षेत्रों से दूर है जहां अस्थिरता और आर्थिक समस्याएं ज्यादा हैं। इस कारण वह अप्रवास को नियंत्रित कर सकता है और तय कर सकता है कि किसे देश में आकर बसने दें। कनाडा में अप्रवासन का इतिहास लंबा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में कनाडा ने अपने अप्रवासन कानून में बदलाव करके काम करने के लिए विदेशियों को लाना शुरू किया था ताकि अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हो सके। और फिर 1960 के दशक में कनाडा ने अंकों पर आधारित अप्रवासन नीति या पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन मॉडल अपनाया और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना। ये मानव संसाधन आधारित व्यवस्था है। अगर आपकी आयु 35 या उससे कम है तो कुछ अंक मिलेंगे, अंग्रेजी और फ्रेंच आती है तो उसके भी अंक मिलेंगे। अगर आपके भाई या बहन कनाडा में हों तो उसके अंक मिलेंगे। कुछ अंक और मिलेंगे अगर आपके पास कनाडा में काम करने का अनुभव हो। कनाडा में अप्रवासन के लिए विदेशों से आवेदन किया जाता है और सबसे अधिक अंक पाने वालों को कनाडा आकर स्थायी निवासी बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उनके कनाडा पहुँचते ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। So, as you can imagine, this is a very highly regulated system. ये एक बड़ी ही नियंत्रित व्यवस्था है। मगर स्थायी निवास का दर्जा पाने पर भी आपको मतदान का अधिकार नहीं मिलता है, जो कि राजनीतिक अधिकार है। 3 साल तक स्थायी निवासी रहने के बाद आप कनाडा की नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस दर्जे के तहत आपके परिवार के सदस्य भी आकर आपके साथ रह सकते हैं और उनका अंग्रेजी या फ्रेंच जानना या पात्रता होना भी आवश्यक नहीं होता। आपके पति या आपकी पत्नी को वर्क परमिट भी मिलता है। यूरोपीय देशों की दृष्टि से ये अजीब है। कनाडा का लक्ष्य है 2025 तक 15 लाख लोगों को देश में बसने के लिए आमंत्रित करना, यानी हर साल 5 लाख लोगों को आमंत्रित करना, जो कि उसकी मौजूदा योजना का हिस्सा है। एना ट्रिएंडी फिलाडो कहती हैं कि प्रधानमंत्री ने 2018 में 3 सालों में 12 लाख लोगों को लाने की घोषणा की थी, यानी सालाना 4 लाख लोगों का कनाडा में अप्रवासन। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें दिक्कत आई और अब उन्होंने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसे बढ़ाकर सालाना 5 लाख कर दिया है।
ये संख्या केवल स्थायी निवास का दर्जा पाने के लिए है। इसके अलावा मेडिकल कर्मियों या फिर कृषि श्रमिकों के लिए भी इस अप्रवासन योजना में जगह है। इनमें से कई लोग समय के साथ साथ स्थायी निवासी होने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में भी अंक आधारित अप्रवासन योजना है, लेकिन कनाडा उनसे अलग है, क्योंकि कनाडा में स्थायी निवासी के तौर पर आने से पहले वहां पहले से नौकरी होना आवश्यक नहीं है, यानी आपको वहां पर पहुंचकर खुद नौकरी खोजनी पड़ती है। कनाडा में बेरोजगारी की दर केवल 5% है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहुंचते ही नौकरी मिल जाएगी। मगर डॉक्टर, मेडिकल कर्मियों और आईटी इंजीनियरों के लिए नौकरियां अधिक हैं। एना ट्रियन फिलाडू कहती हैं कि कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका और दुनिया में कई जगह जैसे ब्राजील और भारत में भी दक्षिणपंथी ताकतें प्रभावी हैं और नस्लवाद की समस्या है। ऐसा नहीं कि ये समस्या कनाडा में नहीं है, मगर वहाँ लोग इससे अवगत हैं और इस समस्या का हल निकालना चाहते हैं। यहाँ भी जमीनी सच्चाई आदर्श तो नहीं है। पार्ट टू, जिंदगी और मौत का सवाल। कई देशों में जनसंख्या वृद्धि और जीवन की अवधि में बदलाव आ रहे हैं और श्रम बाजार पर भी इसका असर पड़ रहा है। यही कनाडा में भी देखने में आ रहा है। हमारी अगली एक्सपर्ट हैं मेलिंडा मिल्स, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र और जनसांख्यिकी की प्रोफेसर हैं। वो इस बदलाव के कारणों के बारे में कहती हैं कि कई देशों में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हुई है और लोगों के खान पान में सुधार आया है, जिससे अब लोगों की जीवन अवधि में बढ़ोतरी हुई है। मगर वहीं कई देशों में जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई है। So one aspect is women. महिलाएं अब अधिक शिक्षित होने लगी हैं और नौकरियां करने लगी हैं। इसके साथ ही कई देशों में बच्चों की देखरेख की व्यवस्था मौजूद नहीं है। पूर्व एशिया और यूरोप के कई देशों में मकानों की किल्लत है, तो इसके कई ढांचागत कारण हैं। मगर जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट की एक वजह राजनीतिक भी है। 1980 के दशक में चीन में जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू की गई, जिसके अंतर्गत एक परिवार में केवल एक ही बच्चे की अनुमति दी गई। 30 साल तक ये नीति जारी रही, लेकिन 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी वहां जन्मदर में कोई खास उछाल नहीं आया। चीन का मामला रोचक है। उसकी आबादी बहुत बड़ी है, मगर बूढ़ी होती आबादी की जगह नई आबादी के लिए जन्म दर कम से कम 2.1% होनी चाहिए, जबकि चीन की वर्तमान जन्म दर 1.16 है। इसलिए उसकी आबादी में बूढ़ों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं आबादी के मामले में भारत चीन से आगे निकल गया है। कई देशों की आबादी घटने जा रही है। 2050 तक जर्मनी की आबादी 5% और चीन की 7% घटने का अनुमान है। वहीं इटली की आबादी 12% तो जापान की आबादी 16% तक घट सकती है। लाटविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक क्षेत्र की आबादी 20% तक घटने का अनुमान है। इसका इन देशों पर गहरा असर पड़ेगा। लोगों की जीवन अवधि में वृद्धि और जन्म दर में गिरावट से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उसने कई देशों को चौंका दिया है। मेलिंडा मिल्स कहती हैं, अब काम कर सकने वालों की किल्लत हो गई है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आ रही है, इसलिए कई देश अपनी नीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं और समाधान के लिए अप्रवासन के बारे में सोच रहे हैं। मगर वहीं कई देशों में आबादी तेजी से बढ़ भी रही है। पाकिस्तान, फिलीपींस और कई अफ्रीकी देशों में जैसे मिस्र, तंजानिया और कोंगो में आबादी तेजी से बढ़ रही है और वहाँ युवा आबादी ज्यादा है। नाइजीरिया की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है, यानी सालाना 3.6% से बढ़ रही है। फिलहाल उसकी आबादी 20 करोड़ है और अनुमान है कि 2050 तक वो 40 करोड़ हो जाएगी। एक तरफ जहां आबादी बूढ़ी हो रही है और वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में शिक्षित और प्रशिक्षित युवा आबादी बड़ी संख्या में मौजूद है, तो हमें अपने देश की सीमाओं के बारे में और अप्रवास के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। पार्ट थ्री, देश और विदेश। लोग अपना देश छोड़कर विदेशों का रुख क्यों करते हैं, जानते हैं अपने तीसरे एक्सपर्ट एबेंजेर ओबेडारे से, जो अफ्रीकी मामलों के विशेषज्ञ हैं और वॉशिंगटन डीसी स्थित काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में सीनियर फेलो हैं। सो पीपल लीव देयर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन फॉर लोग कई कारणों से विदेश जाकर बसते हैं,
अपने देश में हो रहे राजनीतिक उत्पीड़न और असुरक्षा या आर्थिक चिंता की वजह से। इन लोगों को आर्थिक प्रवासी कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर लोग 18 से 30 साल से बीच की उम्र के होते हैं। ये अपनी काबिलियत के चरम पर होते हैं। ये प्रतिभाशाली होते हैं, कौशल और रचनात्मकता होती है, ये उद्यमी होते हैं। एक सवाल जिस पर बहुत कम ध्यान जाता है वो ये है कि जब प्रतिभाशाली और अनुभवी युवा अपना देश छोड़ देते हैं तो इसका उस देश पर क्या असर पड़ता है। You are robbing that particular country or that particular society. ये उस देश के अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण संसाधन की चोरी करने जैसा है। इससे पैदा होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति बहुत मुश्किल है। इसका उस देश की राजनीति, तकनीकी विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा संस्थानों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हर साल लगभग 20,000 अकादमिक लोग अफ्रीका छोड़ते हैं। उन देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये देश अपने प्रतिभाशाली लोगों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि ये प्रतिभा देश में ही रहकर उसके काम आए और उन लोगों को पर्याप्त मौके अपने देश में ही मिल जाएं। So, if I'm a policy maker, अगर मैं नीति निर्माता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी बने, युवाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करने के पर्याप्त अवसर मिले। बहुत से लोग इंग्लैंड या अन्य देशों में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां ढांचागत सुविधाएं नाइजीरिया से बहुत बेहतर हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि ये सुविधाएं पाने के लिए वहां उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी उनके अपने देश में होती है। एबेंजेर ओबाडारे कहते हैं कि ये समस्या अभी इतनी बड़ी नहीं लगती क्योंकि सरकार सोचती है कि अगर चंद हजार लोग चले भी जाते हैं तो भी पीछे काफी लोग हैं। लेकिन वो आगाह करते हैं कि अफ्रीका की आबादी आने वाले 30 सालों में 80 करोड़ से 1 अरब तक पहुंच जाएगी और प्रतिभाशाली लोगों का पलायन इसी स्तर पर चलता रहा तो आने वाले वर्षों में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये चिंता जताई जा रही है कि अगर अफ्रीकी सरकारों ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो भविष्य में उनके सामने बड़ी समस्याएं होंगी। Let us now begin to think about how we hold. हमें चाहिए कि इन सरकारों की जवाबदेही तय करें, उनसे पूछा जाए कि क्यों आपके प्रतिभाशाली लोग देश छोड़ रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या सहायता चाहिए, इन सरकारों के प्रशासन के तरीके की निगरानी और जवाबदेही होनी चाहिए और यही बात आम अफ्रीकी लोग भी चाहते हैं। पार्ट 4, कनाडा की नकल। अगर जनसांख्यिकी के अनुमान पर नजर डालें तो आने वाले सालों में कई देशों को कुशल कर्मचारियों और मजदूरों की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ये राय है हमारी चौथी एक्सपर्ट जेसिका बायथर की, जो बर्लिन स्थित रॉबर्ट वॉश फाउंडेशन में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। इस किल्लत को कम करने के लिए देशों को अपनी आबादी को बेहतर प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को बढ़ाना होगा, लेकिन इसके बावजूद कई क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। जर्मनी में श्रमिकों और कर्मचारियों की बड़ी किल्लत है, साथ ही वहाँ जन्म दर गिर रही है और आबादी का बड़ा हिस्सा बूढ़ा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आर्थिक रूप से अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के लिए उसे सालाना 4 लाख प्रवासी कर्मचारियों की जरूरत है। जेसिका कहती हैं कि ये लक्ष्य हासिल करने के लिए जर्मनी की नई गठबंधन सरकार ने अपने नियमों में व्यापक सुधार किए हैं ताकि आसानी से अप्रवासी श्रमिकों को जर्मनी आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कई दशकों में पहली बार इतनी उदार नीति अपनाई गई है। नए नियमों के अंतर्गत अप्रवास की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। पहले के मुकाबले श्रमिकों को लाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन को कम किया जा रहा है। साथ ही अप्रवासियों के लिए जर्मनी की नागरिकता प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि को 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है और कुछ मामलों में ये 3 वर्ष भी कर दी गई है। जिन देशों के सामने ये समस्या है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और समाधान दूर लग रहा है। कई देश प्रशिक्षित श्रमिकों की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे कि हंगरी, जो अप्रवासन के पक्ष में नहीं रहा है। वहाँ भी निर्माण क्षेत्र, आईटी क्षेत्र, होटल उद्योग में प्रशिक्षित कामगारों की भारी किल्लत है, जिसके चलते उसने अस्थायी वर्क परमिट बढ़ा दिए हैं ताकि वियतनाम और अन्य देशों से श्रमिक आ सकें। लेकिन उदार नीतियों के बावजूद इन देशों को अप्रवासन के अपने लक्ष्य को पाने में दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी आने के लिए लोगों में होड़ लगी हो।
फिर भाषा की समस्या है। ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि जो लोग आए हैं वो जर्मनी छोड़कर वापस जा रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में भाषा की अड़चन के अलावा उन्हें नस्लवादी भेदभाव झेलना पड़ता है या वो इस समाज में सहज महसूस नहीं करते। लेकिन इसके लिए जर्मन सरकार कई कदम उठा रही है ताकि अप्रवासी जर्मन समाज में घुल मिल जाएं। उन्हें जर्मन भाषा सिखाई जा रही है, मगर अप्रवास के बिना इन देशों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कई देश कनाडा की तरह उदारवादी अप्रवासन नीति अपनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कनाडा का अप्रवासन मॉडल सभी के लिए अनुकूल होगा? कनाडा की एक विशेषता है उसका विशाल भूभाग और बेरोजगारी की दर में कमी और आम लोगों का अप्रवासन नीति को समर्थन, जो कि अन्य देश के पास नहीं है। तो जवाब सीधा है, कनाडा की हो या किसी और की, लेकिन एक अप्रवासन नीति सभी देशों में लागू नहीं हो सकती।